मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के घर पहुंचे और वीडी शर्मा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक वर्ष पूरा करने पर बधाई दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर एक साल का कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घर जाकर वीडी शर्मा को बधाई दी। इसके बाद सत्ता और संगठन से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। इस मौके पर शिवराज ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर कहा कि ये रूटीन बजट नहीं होगा, जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट होगा। ये शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म बजट होगा। देखिए, सरकार हर स्तर पर गैर कानूनी गतिविधियां करने वालों से निपट रही है। नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, मध्य प्रदेश में पहले भी बालाघाट में प्रभावी कार्रवाइयां हुई है और दो दिन पहले हमारी बहादुर पुलिस ने मंडला में मोतीनाला के पास जो मुठभेड़ हुई है, दो दुर्दांत नक्सलियों को मार गिराया है। और एडीजी इंटेलिजेंस से तो रोज चर्चा करता हूं। हमारे वॉरियर्स जो है ना सोशल मीडिया के, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम सब जगह पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और ताकत के साथ खड़े हैं। और ऐसे झूठ छल कपट फैलाने वाले जो लोग हैं, देश विरोधी ताकतें, उनका जवाब देने का काम भी वही सोशल मीडिया के वॉरियर्स ताकत के साथ मध्य प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस उतरे ना, अच्छी बात है, उनका संगठन है, वो सोचे कि उनको उतरना है कि अपने आप को बचाना है। जिस दल का नेता बजट पर बहस करने के लिए खड़ा होता है, बजट पर बोलना एक शब्द नहीं आता है और वो फैमिली प्लानिंग की बात करने लग जाते हैं, उस कांग्रेस का क्या होगा? मुझे लगता है मुझे बहुत कहने की जरूरत नहीं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।